गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। तो तैयार हो गया हूँ, स्टूडियो की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे नया व्लॉग अपलोड करेंगे। मेरे को पता नहीं क्यों स्टूडियो अच्छा लगता है यार, पता नहीं वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है एंड पता नहीं हर काम ऐसे लगता है कि वहाँ बन जाएंगे। एंड तो यार मैं बात करना चाह रहा था उसके बारे में, अपने क्या नाम है, हर्षदीप के बारे में। अर्शदीप है ना नाम उसका, वो जो इंडियन प्लेयर था। तो यार उसके ऊपर दुनिया ना ज़्यादा ही हार्श हो रही है ना, इतना हार्श होना बनता नहीं है यार। कौन चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट कोई कैच छोड़े? कौन चाहता है कि यार मेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस हो? कौन चाहता है कि मेरा बुरा वक्त आए? कौन चाहता है कि यार सब मुझे गालियां दे? कोई नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं अपने क्या नाम हार्दिक पांड्या एक बॉल पे, दूसरी या तीसरी बॉल पे ही आउट हो गया, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठे। क्यों सवाल उस पर ही उठते हैं हमेशा जो नया होता है? तो बात यह है कि यार सपोर्ट ऐसे से बंदे की करनी चाहिए जो ना मेहनती है बंदे, मतलब वो ठीक है उससे गलती हुई। यार गलती किससे नहीं होती, सबसे ही गलतियां होती हैं ब्रो। ऐसा यहाँ दुनिया में कोई बंदा नहीं है जिससे गलतियां नहीं हुई होंगी। मेरे से भी हुई हैं, आपसे भी हुई होंगी, सबसे हुई होंगी। एंड तो यार यही था, मुझे आज लगा कि यार मुझे ये सब थोड़ा आज बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार बंदा तो अच्छा है वो भाई, उसने विकेट भी तो ली है ना। किसी ने इस बात पे सवाल नहीं उठाया कि यार उसने विकेट ली है, उसने कैच छोड़ा, इस पे सवाल उठ रहा है। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। और ये दुनिया है, दुनिया हमेशा ही आपकी नेगेटिव चीज ही देखती है एंड कोई आपका पॉजिटिव चीजें नहीं देखता। मैं कह रहा हूँ 100 पॉजिटिव चीजें हों और एक नेगेटिव चीज हो, दुनिया नेगेटिव चीज ही देखेगी। एंड बाकी ठीक है, चल रहा है सिस्टम। एंड यहाँ पे सब अंधे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, कौन आगे गड्डी जो वाज जाए, कुछ हो जाए, क्या ही बताओ यार। बाकी और बताओ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैं तो बताऊंगा जो चलने लगा है ना आजकल सिस्टम। तो ये था सीन। बाकी यार सपोर्ट करो, मैं कह रहा हूँ जितना आप अपने उस पर डालोगे ना, उस पर उस बंदे को सपोर्ट दिखाओ यार। नया बंदा है, उसने हमेशा जब भी उसका ओवर आया उसने हमेशा अपने क्या नाम है, हमेशा कोई ना कोई विकेट लिया और अच्छी परफॉर्मेंस रही है यार बंदे की। मतलब ठीक है यार, जो आज एक्सपीरियंस्ड है वो भी कल को नया ही था, ठीक है। जो आज टॉप पे पहुंच गया वो भी कभी नीचे ही था। तो कह रहे हैं ना रात में दम है सूरज को रोकने का, ना सूरज में दम है रात को रोकने का। हमारे पंजाब में कहते हैं जे समा ओ नहीं रहा तो समा ए भी नहीं रहना। सो गाइस यही चीजें हैं। एंड मैं तो मन करता है मेरा कि यार इस बंदे के साथ, भाई मेरे को पता पब्लिक जो है ना, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक अगर किसी बंदे को चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकती है, किसी बंदे को उतारना चाहे उतार सकती है। सबको पता था, सबको पता चल गया था कि यार जो अर्शदीप ने कैच छोड़ा वो बहुत मजबूरी वाला कैच था। एंड उसने कैच छोड़ने पे मुंह भी बनाया, वो भी आपने देखा ही होगा सबने। एंड सो या पब्लिक जो है ना, वो मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया और एक नंबर ऑडियंस पब्लिक ही है, क्योंकि पब्लिक वो देख लेती है यार जो हम लोग नहीं देख पाते। तो इसलिए पब्लिक को मैं फुल सपोर्ट करता हूँ एंड पब्लिक ही मतलब एक नंबर है। ठीक है गाइस, स्टूडियो चलते हैं, आज दिखाता हूँ वहाँ पे क्या माहौल है, क्या नहीं सीन है। एंड ठीक है, ओके बाय। मैं कह रहा मूवी वापी पे जा रहे हैं भाई तुम, मूवी में गाइस स्टूडियो में बैठे हैं। और ये है हार्ले डेविडसन का ये हाइब्रिड की खासियत है, खुद गाड़ी चला लेता है, ये खुद चलता है भाई। ये बैगवती लेटे के में हो ब्रो, आई एम बिट टायर्ड यू नो, आई जस्ट मेड ऑडिशन एंड डिडंट गेट सिलेक्टेड। और ये
आजकल तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा मेरे ऑडिशन में कि इसका कुछ बन तो रहा नहीं। छोड़ो, बनूंगा वीर जी, बनूंगा, जल्दी बनूंगा, जल्दी बनूंगा। वो भाई मैं काम में फंस तो वे इन्हें तो बैटर करावांगे। कोलैब और की पराठे खा के आया हूं रात को। वो तो पता चल ही गया मुझे, वो तो मुझे पता चल ही गया। जिदा उन्हें बेचाले ओ लैदर से थले प्लेट रखी सी ना, मेरा तो दिल जलन लग पाया। मैं यार किवें भाई अलाउ कर रहा है वो, मैं आता ना वो जो बेच वाला मेन कंसोल नहीं है, मेन कंसोल के उत्ते प्लेट रखी हुई सी गंदी। हम जा रहे हैं, आज का दिन तो हो गया, घर जाके थोड़ा रिलैक्स करेंगे। बाय ब्रो, बाय गाइस, बाय, सी यू इन द जिम, सी यू इन द जिम ब्रो। या वी आर गोइंग टुगेदर, या यस यस मैन, सी यू ब्रो। सो गाइस, ये है आज हमारी थाली, घी बहुत लगा दिया यार। मैं रेडी हूं अपने व्लॉग के लिए। कैमरा तो ऊपर करो। गुड नाइट। तो गाइस हम अब आ चुके हैं, गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पे लुक एंड लश में। कोई ट्रीटमेंट भाई का चलने वाला है, मैंने भी दिखाया क्योंकि मेरी एक कभी मेरी मिसेस थी, वो बोलती थी यार ये तेरा निशान अभी तक गया क्यों नहीं। तो मैं वो भी भाई ऐसी ऐसी बातें मैं नहीं करता, और ना मेरे को किसी ने लव बाइट दी है। और ये क्या चीजें होती हैं भाई, व्हाट इज दिस, इज इट फॉर रियल? एंड कट इट। एंड या मैं ये दिखाने आया था, वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक प्रिक करेंगे उसके साथ ये सेट हो जाएगा। तो देखते हैं बाकी, बाकी इनको 3 महीने के लिए यहाँ पे रख लिया है। मैं खाना लाता रहूँगा सुबह दोपहर शाम का, एंड खाना भी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब मेरे से कोई टच ही नहीं है। तो काइंड ऑफ इसको बिग बॉस का घर ही समझो ब्रो, बस इसी ऐसे ही लेटे रहना। लुक एंड लश बिग बॉस। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने कभी भी कुछ नहीं लगवाया, पर मैंने मेरे को बहुत हौसला दिया कि ठीक हो जाएगा एक दो सेटिंग्स में। तो इतना कुछ नहीं है, पर वो सामने वाली लड़की से हौसला लो ना भाई, वो देखो उधर, उधर देखो जरा, शी इज इन लव विद यू। हे क्यूटी, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? डू यू शी हैव अ पॉपर ऑन देयर फेस? आई थिंक शी हैज इंजेक्शंस ऑन हर फेस मैन, they are looking so scary. So dekhte hain uske baad kaisa cleaning hoke nikalta hai, hopefully acha hoga sir. Chalo theek hai. To guys line ho chuki hai shuru. जो लाइन में लगना पड़ता है भाई, क्यों आए उसकी दूर से? यही तो करा रही है हमारी, लेट रुक के खाना है सिस्टम भाई। फिर आ गए हम। गाइस 350 साल बाद नंबर आया है। तो ये ब्लॉग चालू हो चुका है, माधव शर्मा ब्लॉग। और गाइस 350 साल बाद नंबर आया अपना, 350 साल बाद। और तुम, और तुम्हारी दाढ़ी सफेद लग रही है मुझे। मैं ग्रिल में हूँ, मैं मोटा लोग वो ग्रिल में ताकि जो आदमी की है गाइस चम्मच आ जाए ना, बस सिस्टम कर दूं पूरा टाइम। 25 पाव चाहिए मुझे। कितने? 25 पाव। 25 मेरे हो गए, 26 आपके हो गए। काम 25 है, काम 25 है। प्याज डालने, प्याज नहीं नहीं पहले मिक्स करना पड़ेगा। आ गया पाव। ये डाइट कोक शगन के लिए रखी हुई है, शगन करते हैं इसका। नो पे राइट, ये सेम रिपीट करना है।